बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर व्लॉग्स। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है रेसलमेनिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रेटिंग लेने वाला मैच, क्योंकि इसमें डोमिनिक मिस्टेरियो ने अपने ही बाप को चैलेंज किया और रिंग में फेस किया। इसका बाप है रे मिस्टेरियो, जो पिछले 25 साल से डोमिनिक मिस्टेरियो, क्योंकि उसका एक अकलौता बेटा है, उसको रिंग में वो ला रहा है बचपन से और उसको टैक्टिक्स और ट्रेड्स सिखा रहा है ताकि वो क्या करे, मिस्टेरियो लेगेसी को प्रिवेल करवा सकें और WWE की हिस्ट्री में जिस तरीके से रे मिस्टेरियो का एक फेयर और अच्छे रेसलर की तरह नाम है, उसके बेटे का भी नाम हो। मतलब हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उस जैसा ही कामयाब इंसान बने। उसने 25 साल उसको रेसलिंग का गुर तो सिखा दिया, इतना अच्छा रेसलर बना दिया, तभी वो इस पोजीशन में आया कि वो अपने बाप को चैलेंज कर रहा है कि आप मुझे रिंग में फेस करें। लेकिन डोमिनिक मिस्टेरियो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया। उसका अफेयर शुरू हुआ जिस लड़की के साथ, तो उसने उसको इतना प्रॉप किया कि उसने डोमिनिक मिस्टेरियो को अपने ही माँ बाप के अगेंस्ट कर दिया और उसने क्या किया, घर में घुस कर अपने बाप की पिटाई लगाई और रेसलमेनिया में अपने फादर को चैलेंज कर दिया कि मुझे आप फेस करें। अपनी बहन के साथ मिसबिहेव किया, अरीनो में बैठी हुई अपनी माँ के मुंह पर कॉफ़ी फेंकी। मतलब वो एक अच्छा इंसान नहीं बना। एक बाप ने बच्चे का फ्यूचर सेव करने के लिए उसको अच्छा रेसलर तो बना दिया, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना पाया। इस स्टोरी को देख के मेरे माइंड में एक वाक्य आ गया, सोचा आपको सुनाते चलें। एक लड़का होता है, उसकी शादी होती है, तो शादी के कुछ अर्से के बाद ही वो अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल देता है। बाप घर से निकलता है तो वो गदागरी करने पर मजबूर हो जाता है। सफ़ेद पोश इंसान होता है, ज़्यादा दिन भूख नहीं मांग सकता, मांग नहीं सकता, तो हालात को बर्दाश्त ना करते हुए ना उसकी डेथ हो जाती है। जिस दिन उसकी डेथ होती है, उस दिन ही बादशाह वक्त के ख्वाब में एक बुज़ुर्ग आता है और वो ना उस लड़के की तरफ इशारा करके बादशाह को कहता है कि तुम ना इस लड़के से मिलो और इसको 100 ऊँट देने हैं, लेकिन सोने की शर्फियों से लदे हुए हों। बादशाह सुबह उठता है, अपने मोस्ट इंटेलिजेंट वजीर को बुलाता है, कहता है इस तरीके से मैंने ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर दो। क्योंकि वजीर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बादशाह को कहता है कि अगर तो आपने वो इंसान ख्वाब में देखा है जो हमारी राया में से है, तो आप ये समझें कि इस काम के पीछे लाजमन कोई ना कोई मसलियात हिकमत वगैरह छुपी होगी, तो आप उससे मिलें और इम्प्लीमेंटेशन करें उस ख्वाब की, जैसे जैसे आपको ख्वाब में बताया गया कि ऊँट दें और शर्फियाँ दें। बादशाह अपने वजीर को लेता है, अपने फौजी दस्ते को लेता है और बस्ती की तरफ उसकी पालकी चल पड़ती है। बस्ती की एंट्रेंस के से पहले ना एक दरख्त लगा होता है, उसके नीचे एक बुजुर्ग बैठा होता है। बादशाह उससे पूछता है कि आप बताओ कि वो लड़का कहाँ रहता है, तो वो कहता है वो तो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आप बस्ती में एंटर हों, जो पहला मकान है वो उसका है। जब बादशाह अपने फौजी दस्ते के साथ उसके घर पहुँचता है, तो लड़का तो बहुत डर जाता है कि यकीनन ये मुझे तो सजा देने आया होगा, बादशाह तो कुछ चल के आता ही नहीं है। मतलब जो इंसान गुनाह करता है ना, उसको पता होता है कि कहीं ना कहीं मेरी पकड़ उसकी हो ही जानी है। तो बादशाह उसको क्या करता है, उसको अपने साथ लेता है और उसको ना दरबार शरीफ में लेके जाने के बाद खाना शाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद जब वो वापस घर के लिए रवाना करता है ना, तो उसके साथ जो उसने ख्वाब में देखा होता है उसके मुताबिक उसको 100 ऊँट देता है और वो 100 के 100 ऊँट सोने की शर्फियों से लदे होते हैं। वापस आता है तो वो इंसान मजीद गुरूर तकब्बुर के साथ बस्ती में एंटर होता है कि बादशाह ने मेरी इतनी इज्जत की है, ये वो। मतलब उसको अपने गुनाहों पर नदामत होती नहीं है, उसको ये याद भी नहीं होता कि उसकी वजह से उसका बाप मर गया है, गदागरी करते करते इतना मजबूर कर दिया था कि वो खालके के केस अंजाम मिला। अच्छा, वो मजीद जो है ना बुरे कामों में इन्वॉल्व हो जाता है, ऐशो इशरत में शराब और शबाब उसका सिग्निफिकेंट पार्ट हो जाता है। एक दिन होता है कि वो उसका पाँव फिसलता है, वो छत से गिरता है और गिरते ही फौरन मर जाता है। जैसे ही वो मरता है, बादशाह के अहकामात के मुताबिक ना उसने सिपाहियों को कहा होता है कि इस पर नज़र रखें, जब उसकी डेथ होती है तो सिपाही जाके बताते हैं कि उसकी तो डेथ हो गई है, छत से वो गिरा और मर गया। बादशाह ना दोबारा अपनी फ़ौज को साथ लेता है और बस्ती में जाता है और उसी बुजुर्ग से दोबारा मिलता है। बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने आपको कहा था वो अच्छा इंसान नहीं था, मुझे लगा आप उनको सजा देंगे, सजा देने के बाद वो अपनी राह रास्त पर दोबारा आएगा, लेकिन आपने तो उसको सोने की शर्फियों से लदे हुए 100 ऊँट दे दिए, जिसकी वजह से वो ऐशोशरत में इतना पड़ गया कि उसको गुरूर तकब्बुर की और दुनिया की रंगीनियों में इतना खो गया कि उसको माफ़ी का वक्त इल्म होता है। वो बादशाह को कहता है कि मैं चाहता था जो वो नहीं हुआ, जो अल्लाह चाहता था वो हुआ। बादशाह को कहते थे कि अल्लाह क्या चाहते थे, अल्लाह ये चाहते थे कि वो वालिदैन का नाफरमान है, वो बाप का नाफरमान है, तो वो मुझे माफ़ी के लिए भी मेरे सामने ना आए। मतलब अल्लाह ताला इतना नापसंद करते हैं उस इंसान को जो माँ बाप का नाफरमान है। हमारे रिलीजन में है कि माँ बाप के सामने उफ तक ना करें, बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है।
तो उस इंसान ने इतनी बेरहमी से अपने बाप को निकाल दिया, तो उसका अंजाम अल्लाह ताला ने ऐसे किया कि वो दुनिया में भी जलील और रुसवा होकर मरा है। दूसरा, अल्लाह ताला ने उसको इस काबिल ही नहीं समझा कि वो माफ़ी का तलबगार हो, मैं उसको माफ़ करूँ, अपने साए शफ़क़त में लूँ। मतलब अल्लाह ताला उस इंसान को नहायत नापसंद करता है जो अपने बाप और माँ का नाफरमान होता है। तो स्टोरी से हमें ये पता चला है कि जो डोमिनिक मिस्टेरियो है, इसने बेशक दुनिया के गुर सीख लिए हैं, इतने गुर सीख लिए हैं कि बाप को वो रिंग में खड़ा होकर चैलेंज कर रहा है कि तुम मुझे बीट नहीं कर सकते, लोगों के प्रॉप करने पर उनके घर में घुस के उनको मार रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट वो अच्छा रेसलर बन गया है, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना। क्यों? क्योंकि बाप का जो नाफरमान है उसको अल्लाह ताला भी कलाम करना उससे पसंद नहीं फरमा रहे, तौबा के लिए भी उसको अपने सामने आने की इजाज़त नहीं दे रहे। अल्लाह ताला ने इस काबिल ही नहीं समझा कि वो अपनी माफियों, कितने गुनाह होते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुनाह हो जाता है माफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर दूंगा, मेरी रहमत जो है मेरे गज़ब पर ज़्यादा हावी है। लेकिन वालदैन का जो नाफरमान है, अल्लाह ताला उसको ढील दिए रखता है कि करो जो तुमने करना है, तुम्हारी रस्सी मैंने ढीली छोड़ी हुई है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी तौफीक नहीं दूंगा कि तुम क्या करो, तुम मेरे सामने खड़े होकर माफ़ी मांगो। डोमिनिक ने अपने बाप को फेस तो किया, मारा भी, अच्छी फाइट भी की, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, डोमिनिक को मैच में भी फेलियर फेस करना पड़ा, और उधर से माँ भी नाराज़, बहन भी नाराज़, बाप भी नाराज़। तो हमें स्टोरी से क्या सबक मिलता है, ये कि माँ बाप जैसे भी हों, वो आप पर जुल्म करते हों, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के साथ मैच करते हैं, आपका बैकग्राउंड आपको पसंद है या नहीं, बाप माँ माँ होती है। बाप के जूते में बेटे का पाँव आ जाए तो वो बाप नहीं बन जाता, बाप बाप ही रहता है। लास्ट में मैच रेमेस्टेरियो ने जीता, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा रेटिंग लेने वाला रेसोमिनिया का मैच रहा है। और इस मैच से हमें एक सबक मिलता है, क्या, कि पेरेंट्स जैसे भी हों, वो अच्छे प्रोफेशन में हों, वो बुरे प्रोफेशन में हों, लेकिन लोगों के कहने पर हम माँ बाप की नाफरमानी को अगर हम करेंगे, नाफरमानी करेंगे, तो हम जलील और रुसवा होंगे इस दुनिया में भी और आखरत में भी। तो मैच तो रे मैस्टेरियो ने जीत लिया अपने बेटे को ही फेस करते हुए, लेकिन वो अपने बेटे को एक अच्छा इंसान नहीं बना पाया।